नकामी जाओ। अब रावण की अंत्येष्टि हो गई होगी, इसलिए तो अब जाकर विभीषण को लंका का राजा बना करके आ जाओ और उनका राज सुरक्षित करते हुए आ जाओ। जो आज्ञा भाता हूं, जो आज्ञा भगवान। उसी क्षण पश्चात आप देखेंगे राजतिलक की तैयारी शुरू होने वाली है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है आप स्नान ध्यान करके आकर के भगवान की राजतिलक की उपस्थिति प्रदान करें। चम 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 की धाम डांडुआ, चम चम की धाम डांडुआ, रवि का भी चम की बड़ी देवी, रवि का भी चम की बड़ी देवी, चम 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 की धाम डांडुआ, विभीषण जी का मैं राज तिलक करवा के आ गया हूं। बहुत अच्छा। भगवान अब सीता माता के विषय में आपका क्या विचार है? हनुमान जी तथा विभीषण जी जाकर सीता माता को ले आइए। जो आ गया भगवान। Thank you.
आयुष्मान। आखिर तप और प्रेम से श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई है। अब आप भगवान राम के पास चलने की तैयारी कीजिए। वीर हनुमान, मैं प्रथम ही कह चुकी हूँ कि अपने पति के अतिरिक्त दूसरे मनुष्य के साथ मैं यहाँ से कदम नहीं उठाऊंगी। यह तो आप जानती हैं कि वह 14 वर्ष तक नगर में गांव में रही है। यदि वे नहीं आ सकते इसीलिए उन्हें हमने भेजा है। यदि वे नहीं आ सकते तो लक्ष्मण को ही भेज दीजिए। जो आज्ञा माता जी। माता जी प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान दर्शन देते हैं और भंडारा खाते गए। हमारा पूरा भंडारा खा के यहाँ से जाए अकेले क्यों आए? भगवान माता जी ने कहा है कि वह किसी और पुरुष के साथ नहीं आ सकती, अतः आप लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ठीक है भैया, लक्ष्मण हनुमान जी के साथ जाकर सीता को ले आओ। जो आ गया भाग्या। तुम दोनों बहनों को मेरी जरा सी भूल के कारण
जिन जिन दुखों का सामना करना पड़ा उसके लिए मुझे बहुत दुख है। माता जी मुझे अब लज्जित न कीजिए, हमारे कर्मों का ही यह फल था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। चलिए भ्राता जी आपके बिना बेचैन है। अच्छा माता जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए तथा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान तैयार करो।
माता जी है आप क्या कह रहे हैं? आज आपके विचारों में यह परिवर्तन कैसा है? मैंने जो कुछ कहा वह ठीक है। माता जी निर्दोष है। कृपया लक्ष्मण जाओ, यह मेरी आज्ञा है। राधा जी, आज दिन तक मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु आज शीघ्र चिता तैयार करो, यह मेरा आदेश है। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। हनुमान, तुम भी शांत रहो। हे रघुकुल भूषण, सीता हर प्रकार से पवित्र है, उसे सहर्ष स्वीकार करो। नहीं नहीं, सीता की अग्नि परीक्षा अवश्य होगी। भैया लक्ष्मण, मैं कहता हूँ चिता तैयार करो। हे भगवान, क्या आज्ञा है? दादाजी, चिता तैयार है। जाओ सीते, अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा दो। जो आज्ञा स्वामी। हे अग्निदेव, यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष का ध्यान मन में किया हो तो आप मुझे भस्म कर दीजिए। हे अंतर्यामी, मेरी आहंतिक प्रार्थना है कि मैं जिस भी चरणों में जाऊं श्री राम के चरणों की दासी बनो। हे रघुवीर, सीता निर्दोष है, उसे ग्रहण करो। बोलो सीता माता की जय। बोलो सीता माता की जय। श्री रामचंद्र की जय। सदा सुखी रहो प्रिये। बोल श्री राम रामचंद्र की जय। जगत जननी सीता माता की जय। लक्ष्मण जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
भीषण जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान, मेरी तथा लंका वासियों की यही इच्छा है, आप कुछ दिन यही विश्राम कीजिए। आपका कहना ठीक है, किंतु मैं लाचार हूँ। यदि 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। अतः आप अपनी इस हट को छोड़ दीजिए, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा भगवान, यदि आपकी यही इच्छा है तो मेरी कुछ देर स्वीकार करना। वह क्या? क्या भगवान, मेरे पास एक उद्भव विमान है, उसमें बैठकर आराम से अयोध्या जा सकते हो। धन्यवाद, मुझे शहर से स्वीकार है। सुग्रीव जी, आप अपनी समस्त सेना के साथ अपने राजधानी के लिए वापस प्रस्थान करें। अंगद व जामत जी, आप भी राजकाज में सुग्रीव जी की मदद करना। जब कभी आवश्यक समझो अयोध्या में आकर मुझे मिल लेना। भगवान, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही जाऊंगा। हनुमान जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो हमारे साथ चलो। बोल सियावरी रामचंद्र की जय। जगत जननी सीता माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सुग्रीव जी, आप अपनी 12 सेना और जामत जी, सुग्रीव अंगद जी और नल और नील एवं समस्त 12 सेना प्रस्थान करें अपने राज्य की ओर। यहाँ से जाने के बाद अपनी कुशलता भेज देना। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा भगवान, प्रणाम। आयुष्मान, आयुष्मान, प्रणाम भगवान। आयुष्मान, प्रणाम माते। आयुष्मान, 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 भीषण जी, आप भी अपना राज्य कार्य करने जाओ। कृपाल बल्लू दिए।
अयोध्या की तरफ प्रस्थान करें और भरत जी को हमारे आने की सूचना दे दें। हम यहाँ से पहले भरद्वाज ऋषि आश्रम को जाएंगे और तत्पश्चात अभिलंब अयोध्या पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा भगवान, अच्छा भगवान प्रणाम। आयुष्मान माता जी प्रणाम, आयुष्मान भगवान प्रणाम।